नोएडा की ओमिक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। यहां अवैध निर्माण पर नोएडा प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला। ग्राउंड फ्लोर पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया है। इसकी तस्वीरें भी आपके सामने। ओमेक सोसाइटी में जो अवैध निर्माण किया गया था उसे नोएडा प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया है। ग्राउंड फ्लोर पर जितना भी अवैध निर्माण था उसे बुलडोज कर दिया गया है। उसके बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रैंड ओमेक सोसाइटी की ये तस्वीरें हैं जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। नोएडा प्राधिकरण ने यह एक्शन लिया है। ग्राउंड फ्लोर पर जितना भी अवैध कब्जा किया हुआ था इस पर जो भी निर्माण था उसे बुलडोजर से ढहा दिया गया है। नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी है। इससे पहले भी यहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल चुका है और अब ये तस्वीरें देखिए, और भी लोगों के जो अवैध कब्जे किए गए थे उसे नोएडा प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर से ये अवैध कब्जे अब मुक्त कराए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर जो लोग थे उन्होंने अपने फ्लैट के बाहर टिन शेड डाले हुए थे, ये अवैध कब्जा था और इसे नोएडा प्राधिकरण ने अब ध्वस्त कर दिया है। ये तस्वीरें ओमेक सोसाइटी की जहां नोएडा प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। फ्लैट के बाहर जो भी टिन शेड डाले हुए थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। बताया गया कि अवैध कब्जा था जिसकी शिकायत पर अब ये कार्रवाई हुई है। खुद नोएडा प्राधिकरण ने ये एक्शन लिया है जहां फ्लैट के बाहर किए गए इस अवैध कब्जे को ढहाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर ये कब्जा था जिसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। जब ये कार्रवाई की जा रही थी तमाम लोग सोसाइटी के वहां मौजूद थे। पुलिस प्रशासन भी भारी तादाद में था। अगर ज्यादा इसका विरोध किया जाता तो यहां पुलिस ने भी सिक्योरिटी को लेकर पूरी व्यवस्था की थी। अवैध निर्माण पर यह कब्जा जो किया गया था उसे अब ध्वस्त किया गया है। हालांकि जो स्थानीय लोग थे उनकी काफी भीड़ इस दौरान नजर आई, जो इस सोसाइटी के निवासी थे जिन्होंने अवैध कब्जा किया था उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लोग इससे नाखुश थे और ओमेक सोसाइटी है जिसने अवैध कब्जा किया गया था, यही वो ग्रैंड ओमेक सोसाइटी है नोएडा की जहां पहले भी अवैध कब्जे पर कार्रवाई हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।